हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और प्रोटीन के बारे में कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या उपयोग है, सारे बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन के बारे में सबसे जानने से पहले आप प्रोटीन के बारे में ये जानेंगे कि प्रोटीन का खोज किसने किया था, प्रोटीन शब्द कहाँ से चालू हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक यहाँ पर नाम लिखा है सर जे बर्जिलियस। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जे बर्जिलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो आप इसमें टॉपिक में सबसे पहले ये नोट करिए कि ये एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक। अब कार्बनिक यौगिक होता है और इसमें जटिल होता है, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इस एक प्रोटीन को बनने में लगभग लगभग 20 एमिनो एसिड मिलते हैं, प्रोटीन बनता है, ठीक। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से ही बनता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन सब पाया जाता है, नाइट्रोजन तत्व होता है। वो सारे प्रोटीन जो जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व जरूर पाया जाता है। तो आपको इस चीज़ पता चल गया है कि जो प्रोटीन शब्द है उसका शुरुआत सर जे बर्जिलियस ने किया था। और कार्बनिक यौगिक होते हैं और जटिल कार्बनिक होते हैं सभी प्रोटीन, और प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है और हर प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन तत्व तो जरूर पाया जाता है। यह प्रोटीन का पूरा हो गया डिफिनेशन, प्रोटीन का डिफिनेशन आपको पता चल गया प्रोटीन होता क्या है, ठीक। अब बात करेंगे प्रोटीन के प्रकार की, ठीक, और प्रोटीन के कार्य की। तो इसमें एक टॉपिक ये है कि ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। अब मरम्मत का मतलब ये होगा कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो प्रोटीन के द्वारा ही वो ठीक होता है, उसका इलाज प्रोटीन के द्वारा ही, विभिन्न प्रकार प्रोटीनों के द्वारा ही हीलिंग होता है शरीर का। कोई शरीर कट गया, कोई अंग अंदर खराब हो गया, तो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। और जो अब बात कर रहे हैं हीलिंग पावर की, तो प्रोटीन से ही होती है। तो एक और टॉपिक, ये एक और फैक्ट है प्रोटीन के बारे में कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, 20 प्रकार की। वो 20 प्रकार कौन से हैं ये आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। जिनमें से 10 प्रकार का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है। जो 10 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 10 टाइप्स, आपका शरीर खुद ही अपने अंदर बनाता है, और फिर जो नेक्स्ट 10 टाइप के प्रोटीन होते हैं वो हमारा शरीर बाहर से भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अब सोर्स, प्रोटीन का सोर्स अगर आप पता करेंगे तो सोयाबीन और मूंगफली, ये दो चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक कार्यशील महिला को दिन भर में 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और मेल के लिए भी लगभग इतना ही, थोड़ा कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ये प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में कुछ अनोखी चीज़ें जानेंगे, ठीक। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, चलिए प्रोटीन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन के प्रकार, नेक्स्ट प्रोटीन के प्रकार में जानेंगे। तो जो पहला चीज होता है, ये प्रोटीन होता है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होता है, ये वो प्रोटीन होता है जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं, एमिनो एसिड, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन। इसके उदाहरण हैं एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन, ईटीसी। ये तीनों मेन चीज मेन हैं, और ये एग्जाम में आपसे अगर किसी बड़े चीज का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का, यूपीएससी का, तो
उन सब में इसका नाम पूछे जाते हैं, उसके लिए आप याद कर सकते हैं। अगर किसी छोटे चीज़ के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं पूछे जाएंगे, तो आप ये याद कर लीजिए। सरल प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। अब बात करेंगे संयुग्मी प्रोटीन, जो टाइप सेकेंड टाइप है प्रोटीन का, जिसको कहा जाता है संयुग्मी प्रोटीन। इसका डिफिनेशन ये है कि ये प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। और ये इसे इसमें प्रोटीन तो वही रहेंगे, सरल प्रोटीन ये भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ इसमें क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं, तो उसमें संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक, इसमें इसका उदाहरण है, आपको उदाहरण ही सबसे मेन है, उदाहरण एकदम रट लीजिए। उदाहरण में इसमें संयुग्मी प्रोटीन का उरम है, इसका नाम है क्रोमो प्रोटीन। और इसके बाद दूसरा इसका उदाहरण है, इसका दूसरा उदाहरण है क्रोमो प्रोटीन के बाद ग्लाइको प्रोटीन नाम है सर, ग्लाइको प्रोटीन, ये नेक्स्ट उदाहरण है संयुग्मी प्रोटीन का, क्रोमो प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन, ये दो ही मेन सबसे उदाहरण है। ठीक, इसके बाद भी दो तीन आते हैं लेकिन ये मेन उदाहरण है। ठीक, अब बात करेंगे तीसरा, तीसरा टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या है, इसको कहते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्रोटीन, ये थर्ड टाइप है प्रोटीन का। और इसका परिभाषा ये है कि ये वो प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, इसलिए इसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। जैसे जो प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, आपको बताया ना कि 10 टाइप्स ऑफ प्रोटीन शरीर बनाता है, 10 टाइप्स हमको खाने पड़ते हैं अलग से शरीर को, तो उसी में ये ऐसा उसमें का प्रोटीन है जो जल में अपघटित होकर नया बनता है। ठीक, इसी को कहते हैं। तो इसका उदाहरण है प्रोटीअन्स, और इसका दूसरा उदाहरण है पेप्टोन, और इसका तीसरा उदाहरण है पेप्टाइड। ये आपके तीन उदाहरण है व्युत्पन्न प्रोटीन के। तो एक बार दोहराते हैं, शुरू से हम लोग आज क्या पढ़ा कि प्रोटीन शब्द, प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग डॉक्टर जे बर्जिलियस ने किया था। कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 15% भाग शरीर का प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन तत्व हर प्रोटीन में पाया जाता है, शरीर के मरम्मत में कार्य करता है अंदरूनी, और क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा उत्पन्न करता है, और 20 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में उपयोगी होता है, जरूरी होता है, जिसमें 10 प्रकार का प्रोटीन शरीर खुद बनाता है हमारे भोज्य पदार्थों के द्वारा, और 10% का, 10 टाइप्स का प्रोटीन होता है, 10-10 प्रकार का, वो प्रोटीन हम भोजन में डायरेक्ट खाते हैं, तो सोर्स की बात करें तो स्विमिंग और मूंगफली में होता है। हमारे एक स्वस्थ महिला को 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन प्रकार में होता है 1, 2 और 3, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें ये एमिनो एसिड से बने होते हैं, सरल एमिनो एसिड से, जिसमें एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन होता है। संयुग्मी प्रोटीन में प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन ही होते हैं और उसके साथ में क्रियात्मक समूह लगा होता है। इसका उदाहरण है क्रोमो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, और इसमें तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन के साथ जल में अपघटित होते हैं, तो व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है, जिसका उदाहरण है प्रोटीअन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य की। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य है, पहला कार्य है ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य तथा उत्तकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक, इनके द्वारा शरीर के कोशिकाओं, जीव द्रव्य और उत्तक, उत्तकों के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, दूसरा हमारा लाइन है ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर की जो वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक है। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन का कमी रहेगा तो शरीर दुबला पतला
नाटा इत्यादि परेशानियां आ सकती हैं उसमें। ठीक, प्रोटीन की कमी अगर किसी बच्चे में हो जाता है तो उसको एक रोग होता है, ठीक, इसका नाम है क्वासियोर्कर, नाम नोट कर लीजिएगा। बच्चों को रोग होता है, इसको क्वासियोर्कर कहते हैं, ये रोग हो जाता है। एक और रोग होता है मरास्मस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, ये बच्चों में होता है ये भी रोग। खाने में प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो ये रोग बच्चों को क्वासियोर्कर और मरास्मस रोग हो जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए आप भोजन करते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी दिन भोजन नहीं करें तभी भी आप देखते होंगे कि आपका ऐसा कमजोरी फील होता है, तो ये कमजोरी इसलिए फील होता है कि जो शरीर में प्रोटीन इकट्ठा होता है वसा के रूप में, तो वो चीज़ प्रोटीन वसा के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है, फैट के रूप में, आपको पता होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटीन होता है वो शरीर को आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देता है। जब आप भोजन नहीं करते हैं तो यही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में टूट के ग्लूकोज व्लूकोज बना के आपका शरीर को एनर्जी देता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कि अनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रण करता है। शरीर में जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं इसको जो विकास होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे छठवां कि ये संवहन में भी सहायक होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे जो दो रोग होते हैं क्वासियोर्कर और मरास्मस, इसमें होता क्या है। तो जो मरास्मस रोग है, मरास्मस रोग क्या होता है कि इसमें रोगों में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ठीक, रोग के बारे में बता दें आपको कि इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। और क्वासियोर्कर में ये होता है कि हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। मान लीजिए कोई मानव का सब कोई बच्चा शरीर है तो पेट होता है पूरी तरह ऐसे शरीर है, पेट पूरा इस तरह बाहर निकल जाएगा अगर मरास्म क्वासियोर्कर रोग होगा तो। अगर आप क्वासियोर्कर रोग के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे एक ईजी आप क्वासियोर्कर रोग सर्च करिए, डिजीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा जानकारी प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता है। अब आपके लिए तीन क्वेश्चन आपको ला के दे रहे हैं, तीन क्वेश्चन आपके पूरे वीडियो से आप ज्ञान अर्जित किए होंगे तो आप तीन क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे देंगे। जल्दी से पेन कापी उठा के जल्दी से आंसर दीजिए कि प्रोटीन शब्द का पहला बार प्रयोग कौन किया था आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है। इन तीनों चीज़ों को जल्दी जल्दी कमेंट करके, वीडियो देखने के बाद तुरंत वीडियो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा वीडियो किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।